देखो बॉबी का लेक्चर कल होगा आप लोगों का, फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। दोनों एंड पे आप लोगों ने सर को बताना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांजिस्टर्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो डायोड होते हैं, डायोड के अंदर पाए जाते हैं दो रीजन, एक पी रीजन होता है, दूसरा आपके पास एन रीजन होता है। पी रीजन के अंदर होल्स पाए जाते हैं और एन रीजन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये दो रीजन थे सिर्फ डायोड के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स की, तो ट्रांजिस्टर में हमारे पास होंगे तीन रीजन। वो तीन रीजन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। ये आपके पास बनेंगे तीन रीजन। कौन कौन से तीन रीजन है? एन पी एन, और इसके अंदर आपके पास है जी पी एन पी। ये दो ट्रांजिस्टर है, एक एन पी एन है और दूसरा है पी एन पी। इसको पढ़ेंगे किस तरह? एन पी एन ट्रांजिस्टर, इसको हम पढ़ेंगे पी एन पी ट्रांजिस्टर। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, वन इज एन पी एन एंड अदर इज पी एन पी। NPN is formed by two n-type material and one p-type material, and PNP is formed by two p-type and one n-type material. इसको मिस्त्र भी कहते हैं कि दो n region के अंदर एक p region जो है ये sandwiched है। इस तरह को हम कहते हैं दो p region के अंदर एक n region हमारे पास जो है ये sandwiched है। दो n region, एक आपके पास है पी रीजन। अब ट्रांजिस्टर की आपके पास दो टाइप्स आ गए, वो दो टाइप कौन सी बन गई जी? एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड सेकंड आपके पास है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये दो ट्रांजिस्टर बन गए आपके पास, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है? दो एन रीजन है, एक पी रीजन है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर क्या है? दो पी रीजन है और एक एन रीजन है। इसको सिंबॉलिकली इस तरह हम बयान करते हैं कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसमें जो तीन पोर्शन है, ये है एमिटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। यानी जो लेफ्ट पे आपके पास हिस्सा है वो कहलाता है एमिटर, दरमियान में बेस और ये है कलेक्टर। इसी तरह यहां पे आपके पास तीन हिस्से होंगे, एक होगा एमिटर, बेस और कलेक्टर। यानी लेफ्ट मोस्ट हिस्सा जो आपके पास है वो एमिटर का है, दरमियान में बेस है और ये कलेक्टर है। अब एमिटर, बेस और कलेक्टर कहां से बने हैं? पहले हमने डिस्कस किया था कि हम ट्रांजिस्टर की या सेमीकंडक्टर की डोपिंग करते हैं। डोपिंग करने से मुराद क्या है कि इसके अंदर हम कोई और मटेरियल जो है वो इंक्लूड करते हैं। जैसे हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ली थी, एल्यूमिनियम ले लें, फास्फोरस ले लें या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को डाल दें, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हम डोपिंग कर रहे हैं। जब हम डोपिंग करते हैं, इसके अंदर कोई मटेरियल डालते हैं, तो उस मटेरियल का ज्यादा हिस्सा जो है वो जाता है एमिटर में, सबसे कम हिस्सा जाता है बेस के अंदर, और एमिटर से थोड़ा कम हिस्सा होता है कलेक्टर के अंदर। इसे हम कहते हैं एमिटर इज हैवली डोप्ड, बेस इज लाइटली डोप्ड एंड कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड। यानी जो हमने डोपिंग की है उस डोपिंग का ज्यादा इफेक्ट एमिटर को होगा, सबसे कम इफेक्ट बेस को होगा, और कलेक्टर जो है ये एट मॉडरेट स्टेज होता है। मुराद क्या है कि इसके अंदर जो डोपिंग होती है वो बेस की निस्बत ज्यादा होती है,
लेकिन एमिटर की निस्बत कम होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बेस में डोपिंग क्यों कम हुई है, बेस के अंदर क्यों कम रीजन हमारे पास आया। बिकॉज बेस इज वेरी थिन, बेस जो है बिल्कुल बारीक होता है। कितना बारीक होता है, बेस की जो थिकनेस है वो तकरीबन होती है 10^-6 मीटर। अब इतने कम रीजन के अंदर हमारे पास कम मेटीरियल होता है, इसलिए हम कहते हैं जो बेस हमारे पास है वो लाइटली डोप्ड होता है, थिन होता है, बिल्कुल बारीक होता है, इसके अंदर कम चार्जेज आ सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बेस के अंदर जो डोपिंग है वो इमिटर और कलेक्टर की निस्बत सबसे कम होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, इमिटर, बेस, कलेक्टर। सिमिलरली एनपीएनपी ट्रांजिस्टर, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर, तीन रीजन वहां मान गए, तीन रीजन यहां मान गए। अब इनको सिंबल के तौर पर कैसे तैयार करते हैं वो देख लेते हैं। सिंबल हमारे पास ये वाली होगी, ये एमिटर है, ये दरमियान में बेस और ये कलेक्टर होता है। इसी तरह इसके अंदर भी आपके पास यही बनेगा, देयर इज अ सिंबल है आपके पास एनपीएन ट्रांजिस्टर की और पीएनपी ट्रांजिस्टर की। फर्क कैसे पता चलेगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जो है ये एमिटर के ऊपर एरो जो है ये अपवर्ड होता है, लेकिन पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर जो है जो ये एरो है एमिटर के ऊपर वो शिफ्ट होता है डाउनवर्ड। ये दो फर्क है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर और दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर। ये जो हमने एरो ड्रा किया हुआ है एमिटर के ऊपर ये यहाँ पे डाउनवर्ड है, लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर हमने एरो ड्रा किया है ये अपवर्ड होता है। दीज आर टू टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, वन इज एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड अदर इज पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर जो हमने सिंबल ड्रा की है उस सिंबल के अंदर जो एमिटर के ऊपर एरो है वो अपवर्ड है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर जो हमने इसकी सिंबल ड्रा की है उसमें जो एमिटर के ऊपर एरो है वो डाउनवर्ड है। दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। मजीद इसको देखते हैं आगे। नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, अब देखते हैं कि जो ट्रांजिस्टर हमने बनाया है ये वर्क किस तरह करता है, ये काम किस तरह करता है। ट्रांजिस्टर की हमने चेक करनी है वर्किंग को, वो इस तरह से होगी। क्या क्या हमने स्टूडेंट्स उस ट्रांजिस्टर के साथ जो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया था उसके साथ हमने दो बैटरीज कनेक्ट कर दी। एक बैटरी आपके पास ये वाली है, दूसरी बैटरी आपके पास ये वाली है। अब देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास दो रीजन बन गए हैं, यानी हमारे पास दो जंक्शन क्रिएट हो गया। वो दो जंक्शन कौन से हैं, एक हमारे पास है इमिटर बेस जंक्शन, ये वाला जंक्शन, और दूसरा हमारे पास है कलेक्टर बेस जंक्शन, यानी ये वाला जंक्शन। अब इन दोनों जंक्शन को हमें चेक करना है कि इनमें से फॉरवर्ड बायस कौन सा होगा और रिवर्स बायस कौन सा होगा। फॉरवर्ड बायस कंडीशन हमने पहले देखी थी कि अगर जंक्शन के अंदर पी रीजन कनेक्टेड हो बैटरी के पॉजिटिव के साथ और एन रीजन कनेक्टेड हो बैटरी के नेगेटिव के साथ, तो इसे हम कहते हैं ये फॉरवर्ड बायसिंग है। इस तरह अगर पी रीजन नेगेटिव से कनेक्टेड हो और एन रीजन पॉजिटिव से कनेक्टेड हो इसे हम कहते हैं ये रिवर्स बायसिंग है। पहले हम इस रीजन को चेक कर लेते हैं, इमिटर बेस जंक्शन को। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये पी रीजन है जो कि कनेक्ट हो रहा है बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और ये है एन रीजन जो कि कनेक्ट हो रहा है बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो जंक्शन है इमिटर बेस जंक्शन, दिस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। तो इसको हम लिख देंगे जी ये है फॉरवर्ड बायस। अब दूसरा जंक्शन आपकी बात बच गया, दूसरा जंक्शन कौन सा है, कलेक्टर बेस जंक्शन। इसमें आप डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो ये पी रीजन है ये कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव के साथ,
और ये जो एन रीजन है ये कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव के साथ, सो दिस इज द कंडीशन फॉर रिवर्स बायसिंग, सो वी कैन से दैट दिस कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, सो दिस जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो जो ट्रांजिस्टर हमने बनाया था एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके अंदर हमने दो रीजन बनाए हैं, दो रीजन कौन से हैं, एक एमिटर बेस जंक्शन है, दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन है। एमिटर बेस जंक्शन हमारे पास फॉरवर्ड बायस हो रहा है और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारे पास रिवर्स बायस हो रहा है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो रीजन फॉरवर्ड बायस होता है हमेशा उसमें से करंट गुजरता है, और रिवर्स बायस के अंदर बिल्कुल मिनिमम करंट होता है, नेगलिजिबल करंट होता है, यानी ना होने के बराबर। अब प्रोसेस किस तरह होगा, इस रीजन में जो करंट जनरेट होगा वो आपके पास इस तरह फ्लो करेगा और इस रीजन में भी वो करंट का फ्लो जो है वो जारी रहेगा। दिस इज द नॉर्मल ऑपरेशन और द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। यानी ट्रांजिस्टर के अंदर शर्त क्या है कि एमिटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होगा। ये नॉर्मल ऑपरेशन है, ये वर्किंग है ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर में तीन रीजन है, एक एमिटर है, दूसरा बेस है और तीसरा कलेक्टर है। और एमिटर का जो करंट होता है ये बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर का। यानी एमिटर का करंट अगर हमने फाइंड करना है तो हम बेस के करंट को और कलेक्टर के करंट को जब ऐड करते हैं हमारे पास आ जाता है एमिटर का करंट। अभी हमने बात की है कि जो बेस है ये वेरी थिन होता है, ये बिल्कुल बारीक होता है। इस बारीकी की वजह से बेस का जो करंट है वो ना होने के बराबर होता है, नेगलिजिबल होता है। तो हम कहते हैं कि आई बी जो है वो तकरीबन जीरो होता है, आई बी अप्रोचेस टू जीरो। अगर आई बी हमारे पास जीरो हो तो हम लिखते हैं आई ई इज इक्वल टू आई सी। यानी एमिटर करंट और कलेक्टर करंट जो है तकरीबन बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि बेस करंट तो अप्रोच कर गया जीरो को, तो यानी ये दो करंट जो है ये तकरीबन एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी जो करंट कलेक्टर का होता है वही करंट आपके पास एमिटर का होता है। अब एक डेफिनेशन है इसमें करंट गेन की, करंट के इसको जाहिर करते हैं हम बीटा के साथ। बीटा विल बी इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। यानी बीटा जो है ये हमारे पास रेशियो है कलेक्टर करंट की और बेस करंट की। आई सी स्टैंड फॉर कलेक्टर करंट एंड आई बी स्टैंड फॉर बेस करंट। इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि बीटा इज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट। आई सी इज द आउटपुट करंट and IB is the input current, so beta will be equal to IC over IB. beta ka unit aapke paas koi nahi hoga, kyun unit nahi hoga, kyunki aapke paas jo IC hai collector ya current uska unit bhi aapke paas ampere hoga, aur jo IB hai base ka current iska unit bhi aapke paas ampere hoga, to ampere ampere se cancel out ho jayega, so we can say that beta has no units। बीटा क्योंकि दो करंट की रेशियो है और जब भी दो सेम क्वांटिटीज आपस में डिवाइड होती हैं तो इनके यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ हमारे पास बीटा जो है वो यूनिट लेस क्वांटिटी बन जाएगी। यानी बीटा का हमारे पास यूनिट कोई नहीं आएगा, सिर्फ ये रेशियो होगी आई सी ओवर आई बी की। सो वी कैन से दैट बीटा इज अ कॉन्स्टेंट यूनिट। इसका आपके पास कोई यूनिट नहीं, ये आपके पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा जिसे हम कहते हैं रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट। इसी तरह वोल्टेज की भी आपके पास रेशो होगी जिसे हम कहते हैं वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन इसको हम डिनोट करते हैं ए के साथ, इट इज द रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज। बीटा जो था वो हमारे पास करंट गेन था जो कि रेशो थी आउटपुट करंट और इनपुट करंट की, और वोल्टेज गेन जो है इसको हम डिनोट करते हैं ए के साथ, और ये रेशो होती है आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। वी नॉट मीन्स आउटपुट वोल्टेज एंड वी एन मीन्स इनपुट वोल्टेज। तो वोल्टेज गेन का यूनिट भी हमारे पास कोई नहीं आएगा क्योंकि ये भी दो सेम क्वांटिटीज की रेशो है। कैसे, ऊपर भी आपके पास वोल्टेज है नॉमिनेटर में तो इसका यूनिट भी वोल्ट होगा, और नीचे भी आपके पास डिनोमिनेटर में वोल्टेज है तो इसका यूनिट भी वोल्ट होगा, तो वोल्ट वोल्ट से कैंसल आउट हो जाएगा। सो वी कैन से दैट
A is the voltage gain. It also has no unit as like of beta, which was called the current gain. यानी हमारे पास करंट गेन और वोल्टेज गेन ये दो ऐसे कांस्टेंट हैं जिनका यूनिट कोई नहीं होता, ये सिर्फ रेशो होती है। बीटा से मुराद करंट गेन, आउटपुट करंट और इनपुट करंट, एंड ए इज द वोल्टेज गेन व्हिच इज द रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज। क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटीज हैं इसलिए ना तो हमारे पास ए का यूनिट होगा और ना ही हमारे पास बीटा का यूनिट होगा। ये आपके पास कुछ कांस्टेंट वैल्यूज थी ट्रांजिस्टर के लिहाज से। ट्रांजिस्टर के काफी सारे एग्जाम्पल हैं, काफी सारे इसके एप्लीकेशन है। मिसाल के तौर पर ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज ए स्विच, यानी ट्रांजिस्टर जो है एक स्विच के तौर पर भी काम कर सकता है, और ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के तौर पर काम कर सकता है। एम्पलीफायर क्या होता है, ये ऐसी डिवाइस होते हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो लो सिग्नल को कन्वर्ट करता है हाई सिग्नल में। मिसाल के तौर पर एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, हम इनपुट के ऊपर इस तरह से सिग्नल देते हैं और आउटपुट के ऊपर जो है हमें ये सिग्नल मिल जाता है। ये सिग्नल जो है आपके पास ये एम्पलीफाई हो जाता है, यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू इनपुट। इनपुट हम लो देते हैं लेकिन एम्पलीफायर क्या करता है, वो एम्पलीफायर इस लो सिग्नल को कन्वर्ट करता है हाई सिग्नल के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्पलीफिकेशन है। और एम्पलीफिकेशन के अंदर कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा होता है, वो कंपोनेंट आपका ट्रांजिस्टर ही होता है जो कि एक्ट कर रहा होता है एज एम्पलीफायर, जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता रहता है। ये ट्रांजिस्टर के यूजेस आ गए। ट्रांजिस्टर की बेसिक वर्किंग में हमारे पास क्या था कि नॉर्मल ऑपरेशन इसका सेम ही रहेगा, चाहे हम इसको यूज कर रहे हो एज ए स्विच और चाहे इसको हम यूज कर रहे हो एज एम्पलीफायर। तो बेसिक वर्किंग का उसका असूल क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है कि जो ट्रांजिस्टर के अंदर एमिटर बेस जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है ये हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए। अगर तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम यूज कर रहे हैं उसको एज ए स्विच, तो एज ए स्विच यूज करते हुए अगर तो ये वाली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो स्विच हमारा क्लोज हो जाएगा, और जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो वो सिग्नल को आगे ट्रांसफर करा देगा। अगर हमारा स्विच ओपन हो गया, यानी अगर ये वाली दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो हमारा स्विच जब ओपन हो जाएगा तो ओपन स्विच में हमें पता है करंट आगे फ्लो नहीं होता, तो स्विच हमारा ओपन हो जाएगा, करंट आगे फ्लो ही नहीं होगा, तो आगे जो भी अप्लायंस हमने लगाई होगी वो ऑफ ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका स्विच ऑफ है। स्विच जब ऑन होगा, स्विच जब क्लोज होगा तो वो आगे ट्रांसफर कर देगा चार्जेस को, अदरवाइज आपके पास चार्जेस जो है वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। Dear students, this was all about the transistor. Hope you in next lecture. Thank you. जी, transistor के बारे में, transistor की working बारे में, if you have any question, you can ask.